हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 जो कि आपकी चल रही थी, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको आपको कराना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है टू, कैसे सॉल्व करेंगे समझ लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट पार्ट है 5/7 माइनस 2/3 प्लस 4/9। सबसे पहले हम इसका लेंगे एलसीएम 7, 3, 9। एलसीएम क्यों लेंगे? क्योंकि ये आपके अलाइक डिनोमिनेटर है, अलाइक फ्रैक्शन बोल सकते हैं इनको, अलाइक फ्रैक्शन है। अलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, यहाँ पे 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7, 3 एंड 9 इनका सबसे पहले एलसीएम लो 7, 1, 3 अगेन 7, 1 एंड 1 अब 7 से 1, 1 एंड 1 अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम इक्वल्स टू 3 × 3 × 7 कितने 9 9 = 63 63 आपका एलसीएम हो गया। अब एलसीएम 63 देन 63 डिवाइडेड बाय 7 एंड यू गेट 9 7 9 = 63 कैसे डिवाइड करेंगे वो समझ लो। यहाँ 7 का डिवाइड 63 में मिला 7 - 63। अब जो आंसर आपका 9 आया है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना 5 × 9 ओके। 3 का डिवाइड किसके फिर से दो, 3 का डिवाइड 63 में। हम यहाँ पे इसलिए करवा रहे हैं, डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको समझ आए कि करना क्या होता है, डिवाइड देते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। 3 + 6 ब्रिंग डाउन 3 3 × 3 ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर आकर माइनस 21 × 2 प्लस वही प्रोसेस डिवाइड, जो आंसर है मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई। अब 9 के डिवाइड से तो 9 7 = 63 7 आंसर आया 7 × 4। अब इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करो, 5 9 = 45 माइनस 42 प्लस 28 बाय 63। इसको इसको पहले ऐड कर लो क्योंकि प्लस प्लस ये हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन पहले ऐड करते हैं इसको माइनस 42। वैसे तो आप सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो बट बेटर है, बेटर वे में करने के लिए इस दोनों को पहले प्लस करो। हम अरेंज करके दिखा दे रहे हैं 45 + 28 - 42 / 63 ओके। अरेंज करके इसको अब यहाँ पर कर लो आप, ये हो जाएगा आपका 45 + 28 5 8 13 4 2 6 4 1 7 73 / 63 ओके। देन माइनस 42 इन दोनों प्लस करा तो 73 दिया है माइनस 42। अब 73 में से 42 सब्ट्रैक्ट करो 3 2 1 7 4 3 31 / 63 आंसर आंसर कौन सा बॉक्स के अंदर बंद कर दो, ज्यादा बेटर है ओके। नेक्स्ट है ये पार्ट समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो चला लेना आपको समझ में आ जाएगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपको बता दे रहे हैं, सेकंड पार्ट आपको करने हैं। ऐसे आपको फर्स्ट पार्ट बताया सेकंड पार्ट आपको करने हैं क्योंकि जितना आप खुद से करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। मैथ का हर बार बता दें आपको, मैथ का मतलब प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 2 और 1/3 + 5 और 1/2 इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, मिक्स फ्रैक्शन मतलब होता है होल नंबर भी है फ्रैक्शन भी है, होल नंबर भी है फ्रैक्शन भी है। ये आपका होल नंबर जो पूरा नंबर लिखा होल नंबर और ये फ्रैक्शन में 1/3 ये होल 1/2 फ्रैक्शन ओके। देन इसको इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करके निकाल ले रहे हैं, यहीं पर चलो क्वेश्चन रिपीट कर लेना 2 × 3 2 × 3 = 6 + 1/3 + यहाँ पर 2 × 5 + 2 + 1/2। अगर आप इसको 2 × 5 कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको 3 × 3 पहले बाद में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 3 + 6 + 1/3 + 5 + 10 + 1
बाय टू, ये हो जाएगा आपका 7/3 प्लस 11/2। ओके, अब देखो यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन है। तो हम इधर का है सेट, यहाँ 7/3 इन दोनों का 3 और 2 इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे वही प्रोसेस, एलसीएम लेने के बाद क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। हम यहाँ पर क्या चीज बता रहे हैं, 3 और 2 का एलसीएम, एलसीएम बता दे रहे हैं, 2 पे डिवाइड हो, यहाँ पर 3 का डिवाइड बाय 2। ओके, नेक्स्ट 2 और 2 3, 1 and 1, 1 and 1, तो आपका जो एलसीएम आया 2 + 2 = 6, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, 6 एलसीएम आया। आप क्या करेंगे, 3 का डिवाइड 6 में करेंगे और जो आंसर है उसका 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 का डिवाइड 6 में करेंगे तो आंसर आएगा, तो 7 × 2 प्लस 2 का डिवाइड 6 में करोगे तो 2 × 3 = 6, 3 आंसर आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 11 के साथ, 3 × 11। अब क्या हो जाएगा, 14 प्लस 7 × 14 और 3 × 11 = 33 बाय 6, इन दोनों को फिर से आप ऐड कर लो, 7 4 3 7 और 3 1 4 47 बाय 6। ओके, अब क्या करना है, इतना भी छोड़ सकते हो बट थोड़ा सा और आगे बढ़ो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दो आंसर इसका, तो 6 का डिवाइड 47 में करेंगे तो 6 7 42 क्या आंसर है, 5 रिमाइंडर है 5। तो आपका जो ये वाला नंबर है 5, इसको तो न्यूमरेटर लिखते हैं, न्यूमरेटर। ओके, ये डिनोमिनेटर में जाता है, और ये आपका होल नंबर बन जाता है, होल नंबर। आपका जो आंसर आया वो हो जाएगा आपका 7/5/6। ओके, ये आपका आंसर, ओके आंसर। ओके डियर, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा, वीडियो को एक बार और रिपीट कर लेना। ओके, थैंक यू।